हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के बारे में. ओके, सो बिफोर वी गेट इनटू द डेप्थ ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, फर्स्ट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय दिस पर्टिकुलर टर्म हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बेटा? ये वो प्रोसेस है जिसमें हम एक एल्कीन के थ्रू एल्कोहल्स को बनाते हैं. ओके, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स फ्रॉम एल्कीन्स. ठीक है, जब एल्कीन्स का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता है तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलते हैं एल्कोहल्स. ओके, तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन के बारे में. तो आइए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. सो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, फैक्ट नंबर वन इज दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज HBO रिएक्शन. इट इज ऑल्सो नोन एज HBO रिएक्शन, where H stands for hydro, B stands for boration and O stands for oxidation. ठीक है, hydroboration oxidation का short form भी क्या होता है? HBO reaction. Second important fact है, indirect addition of water. Second important fact क्या है कि जो वाटर का जो एडिशन होता है वो किस तरीके का है, यहां पे उसका नेचर क्या है? वो है इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर. इन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को मैकेनिज्म जब हम समझेंगे तो डिटेल में इनके मतलब भी समझेंगे, बट अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि इंपॉर्टेंट फैक्ट फैक्ट नंबर वन है, इसको HBO रिएक्शन भी बोलते हैं. और सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो H2O जो वाटर का जो एडिशन होता है इस रिएक्शन में वो कैसा होता है? इनडायरेक्ट नेचर का. ओके, तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, ये रिएक्शन किन किन रिएजेंट्स के प्रेजेंस में करवाई जाती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस रिएक्शन इज ए टू स्टेप मैकेनिज्म. दिस रिएक्शन इज ए टू स्टेप मैकेनिज्म. ओके, ये कैसी रिएक्शन है? ये रिएक्शन है जो कि दो स्टेप्स में कंप्लीट होती है. ठीक है, इट इज अ टू स्टेप मैकेनिज्म. तो पहला स्टेप जो फर्स्ट स्टेप इस रिएक्शन का, उसमें जो रिएजेंट यूज होगा वो होगा बोरेन, जिसको हम बोलते हैं BH3. ठीक है, कभी कभी इसकी जगह B2S6 कॉमा टेट्रोहाइड्रोफ्यूरेन भी आ जाता है. ठीक है, तो B2S6 देखो इस बोरेन का क्या है? डाइमर है. ठीक है, जब इसका डाइमराइजेशन हो जाता है तो ये क्या बन जाता है? B2S6. और THF का मतलब है, वेयर THF स्टैंड्स फॉर टेट्रा हाइड्रो फ्यूरेन. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? इसका स्ट्रक्चर होता है ये, वेयर ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर. अब टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन का फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन यहां पे सिंपली यही होता है कि इट प्रिवेंट्स द डाइमराइजेशन ऑफ BH3. ठीक है, जब हम मैकेनिज्म देखेंगे तब इसके बारे में पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, तो अभी तक के लिए इट प्रिवेंट्स डाइमराइजेशन ऑफ बोरिंग. ठीक है, ये तो था फर्स्ट स्टेप का रिएजेंट. ठीक है, और सेकेंड स्टेप का रिएजेंट क्या होगा? सेकेंड स्टेप का रिएक्शन होगा H2O2. इसको हम क्या बोल सकते हैं? डाइहाइड्रोजन परऑक्साइड. ठीक है, और ये रिएक्शन किस मीडियम में प्रोसीड करेगी? वो होगा एक बेसिक मीडियम.
ओके। सेकेंड स्टेप होगा वो किन रिएजेंट के प्रेजेंस में होगा, इट विल टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड। परोक्साइड क्या होता है, जब भी मुझे इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखे जहां पे मेरे पास ओ बॉन्ड ओ हो उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज द परोक्साइड कंपाउंड। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ए परोक्साइड रिएजेंट और मीडियम कैसा होगा हमारे पास, एक बेसिक मीडियम। ओके, मीडियम विल बी बेसिक। ओके, तो यहां तक हमें समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। ठीक है, फैक्ट नंबर वन क्या था, इसको हम HBO रिएक्शन भी बोलते हैं। फैक्ट नंबर टू क्या है, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ H2O। फैक्ट नंबर थ्री क्या है, ये मैकेनिज्म टू स्टेप मैकेनिज्म है। फर्स्ट स्टेप में जो रिएजेंट यूज होगा वो होगा बोरेन, कभी कभी उसका डाइमर प्रोडक्ट भी ले लेते हैं जो कि होता है B2S6 और साथ में होगा टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। उसका फंक्शन क्या होता है, प्रिवेंट्स द डाइमराइजेशन ऑफ BS3। सेकेंड स्टेप का रिएजेंट क्या होगा, परोक्साइड कंपाउंड होगा और ये किस मीडियम में होगी ये रिएक्शन, ये होगी एक एल्कलाइन या फिर बेसिक मीडियम में। ओके, फर्दर देखते हैं। अच्छा, हमें ये तो पता है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एक एल्कोहल बनाता है एल्कीन से। ठीक है, अब इसमें भी दो तरीके की एल्कीन यूज होगी, द फर्स्ट एल्कीन विल बी सिमेट्रिकल एंड द सेकेंड एल्कीन विल बी अनसिमेट्रिकल। ठीक है, तो इसके भी दो टू टाइप्स होंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। देखिए, पहला केस क्या है, जब मेरे पास एल्कीन कैसी है, सिमेट्रिकल एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है, और दूसरा केस क्या होगा, जब मेरे पास कैसी एल्कीन होगी, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब आप बोलोगे कि सर व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ ए सिंपल एग्जांपल। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिया इथीन, अब बताइए इथीन सिमेट्रिकल है या फिर अनसिमेट्रिकल। अच्छा बताओ, इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस जो ग्रुप्स लगे वो सिमिलर है या फिर डिससिमिलर है, सिमिलर है। इसका मतलब ये कैसी एल्कीन हुई, ये हुई सिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लिया, मान लीजिए मैंने प्रोपीन, बताइए प्रोपीन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ये होगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो यहां पे डबल बॉन्ड के अक्रॉस जो ग्रुप्स हैं वो सिमिलर है या डिससिमिलर है। अब देखो डबल बॉन्ड कौन सा है, ये डबल बॉन्ड। अब इसके अक्रॉस देखो एक ग्रुप ये है और एक ग्रुप ये है, क्या ये सिमिलर है या फिर डिससिमिलर है, डिससिमिलर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अच्छा एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट, अनसिमेट्रिकल एल्कीन का जब भी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होगा तो उसमें हमेशा एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगेगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, जब भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होगा तो कौन सा रूल लगेगा, एंटी मार्कोवनिकोव रूल, और इसमें हमेशा मुझे जो अल्कोहल मिलेगा दैट विल बी 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, आज हमने क्या सीखा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का मतलब सीखा, इसमें हमें क्या मिलता है, हमें एक एल्कीन से अल्कोहल मिलता है। ठीक है, ये कैसा मैकेनिज्म है, इट इज अ टू स्टेप मैकेनिज्म। पहला स्टेप में जो रिएजेंट यूज होगा वो होगा बोरेन, ठीक है, जिसको हम BS3 भी बोलते हैं। क्या मैं इसका कभी डाइमर फॉर्म भी ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं, और उसको डाइमराइजेशन होने के लिए जो मुझे रोकने के लिए जो रिएजेंट यूज करना पड़ेगा वो कौन सा होगा, वो होगा टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। वेरी गुड, सेकेंड स्टेप का जो मैकेनिज्म होगा उसमें रिएजेंट कौन सा यूज होगा, इट विल बी ए परोक्साइड कंपाउंड। सर परोक्साइड कंपाउंड क्या होते हैं, बेटा जब ओ बॉन्ड ओ का कोई भी कंपाउंड दिखे दैट विल बी ए परोक्साइड कंपाउंड। ये रिएक्शन किस मीडियम में होगी, ये रिएक्शन बेटा एक बेसिक मीडियम में होगी। ठीक है, अब सर इसमें तो आपने बता दिया अब एल्कीन से अल्कोहल बनता है, बट
एल्कीन कुछ केसेस में सिमेट्रिकल होती है, अनसिमेट्रिकल होती है, तो सर उसमें क्या होगा बेटा? जब सिमेट्रिकल एल्कीन होगी तब सिंपली हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन अपना रूल फॉलो करेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन जहां मेरे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन आ गई तो हमें कौन सा रूल फॉलो करना पड़ेगा? एंटी मार्कोवनिकोव रूल। और अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में हमेशा 1 डिग्री एल्कोहल फॉर्म होता है, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन व्हेन वी आर डूइंग द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन वी विल गेट ओनली 1 डिग्री एल्कोहल कंपाउंड्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच।